बॉलीवुड सिंगर्स का जब भी नाम आता है तो विशाल शेखर की जोड़ी की आवाज कानों में गूंजने लगती है। सिंगर शेखर रवजियानी की आवाज का जादू सभी ने तुझे भुला दिया, बिन तेरे जैसे हिट ट्रैक में जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक टाइम ऐसा भी आया था जब शेखर की आवाज ही चली गई थी। जी हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर उन्होंने बताया कि उन्हें लेफ्ट वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो गया था, जिससे वो पूरी तरह टूट गए थे। हालांकि अब सिंगर पूरी तरह ठीक हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं आखिर ये लेफ्ट वोकल कॉर्ड पैरालिसिस होती क्या है, ये कितनी गंभीर बीमारी है, इसका कारण क्या है और इसे बचने के लिए क्या करना चाहिए। लेफ्ट वोकल कॉर्ड पैरालिसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वोकल कॉर्ड अफेक्ट होती है। इसमें आवाज में बदलाव, सांस लेने में कठिनाई और दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसमें आवाज तक चली जाती है। इस बीमारी का वक्त पर इलाज बेहद जरूरी है। अब जानते हैं लेफ्ट वोकल कॉर्ड पैरालिसिस की वजह। गर्दन या सिर में चोट लगने से वोकल कॉर्ड की नसें डैमेज हो सकती हैं। गर्दन या सिर में ट्यूमर से वोकल कॉर्ड की नसें दब सकती हैं। ब्रेन में ब्लड फ्लो की कमी से वोकल कॉर्ड की नसों को नुकसान हो सकता है। पार्किंसन डिजीज की वजह से भी वोकल कॉर्ड की नसें अफेक्ट हो सकती हैं। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी वोकल कॉर्ड में दिक्कतें आ सकती हैं। अब बात करते हैं कि लेफ्ट वोकल कॉर्ड पैरालिसिस के सिम्टम्स क्या हैं। आवाज में बदलाव आना, ठीक से ना बोल पाना, सांस लेने में कठिनाई, आवाज का बैठना या आवाज का टूटना, गले में दर्द या जलन होना, निगलने में दिक्कत होना वगैरह। लेफ्ट वोकल कॉर्ड पैरालिसिस का इलाज क्या है? वोकल कॉर्ड को फिर से बेहतर बनाने के लिए फिजियोथेरेपी की मदद ली जा सकती है। आवाज सुधारने के लिए स्पीच थेरेपी भी की जा सकती है। वोकल कॉर्ड की नसों को दबाने वाले ट्यूमर या दूसरी प्रॉब्लम्स के लिए कई बार सर्जरी की जरूरत पड़ती है। वोकल कॉर्ड की नसों को अफेक्ट करने वाली बीमारियों के लिए दवाइयां भी दी जा सकती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।